केमिकल एंड एनिमिकुलियम में रिलेशन इसका स्टेबलाइज करना है आपको, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी मतलब केसी इक्विलियम कांस्टेंट आपको निकालना बता दिया मैंने। फिर मतलब केसी कैसे निकालेंगे, केपी जैसे सपोज का है कोई केमिकल रिएक्शन है जिसके तीन पार्ट का ग्रुप पहला रिएक्शन दे रहा है ए एम वन ए प्लस एम टू बी रिवर्सिबल एम वन सी प्लस एम टू बी मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको सबसे पहले केसी कैलकुलेट करना है, तो वहां तो मैंने पूरे तो केसी निकालना है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट केसी इसका जो क्या होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और स्टोकेमेटिक कोफिशिएंट है वो पावर में दे दो, तो सी की पावर एन वन और डी की पावर एन टू अपॉन ए की कंसंट्रेशन है या एक्टिव मास, इसका साइन है वो एक्टिव मास का है, ये वाला साइन बना था एक्टिव मास, क्लियर। तो यहाँ पर पावर एम वन और यहाँ डी की पावर एम टू, ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर पर, क्योंकि ये M1 M2 प्लस M1 N2 है वो यहाँ पर स्टोकेमेटिक कोफिशिएंट है बेटा, इनको बोलते हैं स्टोकेमेटिक कोफिशिएंट। तो एक्टिव आपको केसी निकालना है तो उनको पावर में दे देते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, तो ऐसे ही आपको केपी निकालना है, ये तो केसी इक्विलियम कांस्टेंट हो गया। केपी किसी गैसियस स्टेट, अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में है तो उसके लिए प्रेशर यूज करते हैं, तो प्रेशर के लिए केपी, तो केपी वही है प्रोडक्ट पी लगा देते हैं सी की पावर एन वन और टी डी की पावर एन टू अपॉन टी ए की पावर एम वन और टी एम टू सॉरी टी की पावर एम ये क्वेश्चन नंबर टू। बस प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं पी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब निकालना है आपको केपी और केसी निकाल चुके हैं और एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन जो गैसीय स्टेट में पढ़ेंगे, तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी है, तो यहाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एन अपॉन वी आरटी की, वी को इधर ट्रांसफर कर दिया और सेंसर एन अपॉन वी किसके हो कंसंट्रेशन के, एन अपॉन वी क्या है कंसंट्रेशन, तो पी इक्वल टू हो जाएगा आपका सी आर टी, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा सी आर टी, ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। तो याद है किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, तो रिएक्टेंट ए, तो यहां पर रिएक्टेंट ए की पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए पी ए निकाल लो, यहां पर पी ए टू सी इंटू, तो यहां पर पी ए निकालना है पार्शियल प्रेशर के लिए पी ए लिख रहे हैं, तो यहां पर पी ए के लिए क्या होगा ए इंटू आर टी, चेक करो सी की जगह रख दिया मैंने ए,
मोल फ्रैक्शन तो सी ए इंटू आई पी, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पीवी के लिए क्या आ जाएगा, बी इंटू आर टी। ऐसे ही आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ पी सी सी इंटू आर टी और पार्शियल प्रेशर पी डी डी इंटू आर टी, ये आपका अब फुटा सचिन जी कर लो पति। चलो बन जाएगी तो ठीक है। फुटा का मतलब पी ए पी बी कॉमा पी सी एंड पी डी रखो टू में चेक करना के पी इक्वल टू पी सी की रखनी है तो पी सी क्या है सी इंटू आर टी तो सी इंटू आर टी की पावर एन वन, ठीक है रख दिया। अब हमें रखनी है पी डी की, क्योंकि पी डी ये रहा डी इंटू आर टी तो डी इंटू आर टी की पावर एन टू। इधर देखो इधर यहीं पर दिक्कत है बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पी ए ये रहा पी ए इंटू आर टी टू पावर एम वन, इधर देखो एम वन इंटू इधर चेक करें पी बी बी इंटू बी इंटू आर टी की पावर एम टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया के पी स्क्वायर टू देखो सी की पावर एन वन तो सी की पावर एन वन, ऐसे डी की पावर एन टू, इधर देखो सी की पावर एन वन और डी की पावर एन टू, और इसको ले लिया आर टी की पावर एन वन प्लस टू, लिख सकता हूं एन वन प्लस एन टू। ऐसे ही आपको नीचे करना है, ए की पावर को मान लिया एम वन और बी की पावर को मान लिया एम टू इंटू आर टी की पावर एम वन प्लस एम टू, ठीक। और इसको मैंने ऊपर पहुंचा दूंगा के पी स्क्वायर टू सी की पावर एम वन डी की पावर एम टू इंटू आर टी की पावर आर टी की पावर, इधर चेक करो आर टी की पावर एन वन प्लस एन टू माइनस एम की घात एन एम वन प्लस एम टू अपॉन ए की पावर एम वन बी की पावर एम टू। अब यहां पर एम वन प्लस एम टू माइनस एम वन प्लस एम टू इक्वल टू मान लो डेल्टा एन, देखो देन क्या होगा
तो KP is equal to C की पावर n1, D की पावर n2, A की पावर m1, D की पावर m2, into R की पावर डेल्टा n। इस पूरे को मान लिया मैंने डेल्टा n, अभी बताऊंगा। अब ये इक्वेशन नंबर फोर, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा फर्स्ट एंड फोर, फर्स्ट एंड फोर से देखो ये पूरा क्या है केसी, ये पूरा क्या है केसी। तो केपी की जगह क्या रख दो, केपी इसका टू केसी आर की पावर डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन बराबर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये होता है डेल्टा एन, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो डेल्टा एन की वैल्यू निकल आती है। और डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ सकती है, डेल्टा एन बराबर जीरो आ सकता है, डेल्टा एन बराबर पॉजिटिव आ सकता है, डेल्टा एन बराबर नेगेटिव आ सकता है। तो तीन कंडीशन हमें पढ़नी है इसमें चैप्टर के अंदर, इसी के लिए केपी और केसी को कैलकुलेट करना है बेटा। तो सबसे पहले हमने केपी और केसी में कुछ नहीं है, केपी और केसी रिलेशन में आपको क्या करना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो वो होनी चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन। पहली बात तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्लोज वेसल के अंदर हो रही है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ये सब बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो एम वन ए प्लस एम टू बी रिवर्सिबल, एम वन सी प्लस एम टू डी। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें केसी कैलकुलेट करना है, तो केसी हम मैंने निकाल बता दिया है, केसी इसका जो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उसके ऊपर ले लो। पर जो साइन लगा हुआ है ये वाला एक्टिव मास कह सकते हैं या कंसंट्रेशन, तो यहाँ C की पावर n1, D की पावर n2, A की पावर m1 प्लस B की पावर m2, क्योंकि कुछ लोग आए नहीं थे, नहीं पहले भी करा दिया मैंने बस उस दिन, क्योंकि फुल कंप्लीट नहीं हुआ था KP इसका टू, इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ। PC की पावर n1, P D की पावर n2, PA की पावर m1 प्लस B की पावर m2, यहाँ से KP निकाल लिया। एक पता रिवर्सिबल रिएक्शन है कैसी हो गैसियस स्टेट में, उसके लिए हम केपी कैलकुलेट करते हैं। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ तीनों से बनाया, पी वी इक्वल टू एन आर टी, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो पी इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और एन अपॉन वी मोल अपॉन वॉल्यूम किसके होता है कंसंट्रेशन के, तो देन पी इक्वल टू सी आर टी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, मतलब पी ए के लिए पार्शियल प्रेशर निकाल लें, फिर पी वी के लिए, पी सी के लिए, पी डी के लिए, चारों के लिए निकाल लिया। और इस इक्वेशन टू में वैल्यू पुट रख दो, तो ये सभी वैल्यू इक्वेशन टू के अंदर रखी गई हैं। और रखने के पश्चात पूरा रिलेशन निकाला, तो के पी बराबर के सी आर टी बॉय डेल्टा एन। तो सबसे पहले इस प्रकार से हमने के पी और के सी के बीच में रिलेशन निकाल लिया। मेन चीजें यहाँ पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाता है थर्मोडायनेमिकली, या आप देखें कि केपी और केसी इस चैप्टर का बड़ा रोल है, क्योंकि ट्वेल्थ केमिस्ट्री से कनेक्टेड है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेवेंथ की जो केमिस्ट्री है वो ज़्यादातर कनेक्टेड है, 90% केस में वो ट्वेल्थ क्लास में कनेक्टेड है। आपको ये इसको है कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, तो जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट होंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर की। इसलिए केसी कैसे निकाला जाता है, केपी कैसे निकाला जाता है, वो सब चीज बताई जा रही है। अगर यहां से सीख लिए तो वहां कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको डेरियस सेल में कह देगा जेडन सॉरी प्लस सी यू प्लस टू एक्वस, ऐसे करके रिएक्शन दे दे जेडन प्लस टू एक्वस और सी यू सॉलिड। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इस रिएक्शन के लिए हमें केसी निकालना होगा। तो केसी क्योंकि यहाँ से सी जो है सॉलिड स्टेट के लिए,
केस ही कैलकुलेट नहीं करते, उसको नेगलेक्ट मान लेते हैं, तो लुकिंग स्टेट में एक्वस स्टेट में इसको निकालते हैं। तो हम केवल ये देख चेक कर रहे हैं केसी का मतलब होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्लियर। और नहीं तो लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ मास एक्शन से निकाला फुल स्पीड में, बताया रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट के और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट के, दोनों को निकाल लो, आर एफ आर बी को इक्वल रखो, आ जाएगा आपका केसी। चलो अब केस फर्स्ट, इसमें सबसे पहले केस फर्स्ट को निकाले, ध्यान देखो एक डेल्टा एन एक्सन टू क्या और जीरो। तो जैसे आपको निकालने के लिए दे दिया एस टू प्लस आई टू रिवर्सिबल टू एच आई, ठीक रिवर्सिबल टू एच आई। तो सबसे पहले हमें डेल्टा एन निकालना है, और डेल्टा एन क्या है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है कि नहीं, तो प्रोडक्ट कितने टू, और माइनस रिएक्टेंट की बात करूं वन प्लस वन, वन प्लस वन डेल्टा एन की वैल्यू क्या है जीरो। जिन रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू जीरो होगी उसके लिए ध्यान रखना केपी की वैल्यू केसी के इक्वल ही आएगी। जो केपी की वैल्यू होगी न्यूमेरिकल में और वही केसी की वैल्यू होगी, अभी लगा के देखेंगे हम फॉर्मूले में। तो केपी और केसी यहां से एक चीज निकाल लेते हैं केसी, और डायरेक्ट नीचे लिखते थे डेल्टा एन, एक होता है डेल्टा एन इजकल टू जीरो, सो केपी इजकल टू केसी, क्लियर। अब आपसे कहे कि इस रिएक्शन के लिए भाई यूनिट क्या होगी, यूनिट मैंने बताया था यूनिट निकालना, तो यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या होगी जब केपी की वैल्यू डेल्टा जीरो आ रहे तो नो यूनिट, नो यूनिट फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जीरो सभी कैंसिल हो जाए। तो ये भी नो यूनिट निकालने के लिए सब इसमें यूज कर लेते हैं कि केपी और केसी की वैल्यू और यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट केस हो गया ये, सेकेंड डेल्टा एन इक्वल टू पॉजिटिव केस, सेकेंड एक डेल्टा एन इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू हो तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल पीसीएल स्क्वायर रिवर्सिबल पीसीएल थ्री प्लस सीएल टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेंटा फास्फोरस क्लोराइड, पेंटा फास्फोरस क्लोराइड का या फास्फोरस पेंटा क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो पीसीएल थ्री और सीएल टू में डिकम्पोजिशन होता है। तो यहां पर डेल्टा एन निकाले तो प्रोडक्ट कितने हैं वन प्लस वन माइनस वन और टू माइनस वन कितना आया प्लस वन, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव के लिए केपी हमेशा ग्रेटर होगा केसी, जब तक वैल्यू डेल्टा एन की पॉजिटिव आएगी केपी ग्रेटर होगा केसी से, क्लियर। थर्ड कंडीशन केस थर्ड डेल्टा एन इक्वल टू नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल एन टू प्लस थ्री एस टू रिवर्सिबल टू एल एस थ्री, चेक करो तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आई, डेल्टा एन टू माइनस वन प्लस थ्री तो टू माइनस फोर तो माइनस के आ गई माइनस के टू, तो यहां पर केपी लेस होगा केस। तो ये तीन केस है जिनको हमें अभी पढ़ना है, बाकी का मोनोग्राम बना के तैयार कर दिया कि तीन केस कौन कौन से हैं।
केस फर्स्ट में डेल्टा इज इक्वल टू 0 बेटा, तो केपी हमेशा केसी के इक्वल ही आएगा। डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो केपी ग्रेटर होगा कंपैरिजन देन केसी के, और डेल्टा एन नेगेटिव केस में केपी लेस होगा केसी। ठीक है, तो तीनों केस हो चुके हैं, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। ठीक आ गया, उतार ले फटाफट। हाँ इधर देखो, जैसे न्यूमेरिकल दे रखा रिएक्शन दे रखी है 2SO3 एंड रिवर्सिबल 2SO2+O2 इज, मतलब केपी की वैल्यू दे रखी है उसने। सबसे पहले ये चीज नोट करें कि दे क्या रखा है, सबसे पहले केपी दे रखा है, कितना दे रखा है 1.80 इंटू 10^3। अब किलो है तो 10^3 पास्कल रह गया, किलो को हटा दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो बचा क्या 1.80 इंटू 10^3 सॉरी पास्कल। अब पास्कल को मुझे चेंज करना है बार में, तो 1.80 अपॉन 10^5 पास्कल को बार में चेंज करना है, 10^5 का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बार में, ये कन्वर्ट पास्कल से किस में कन्वर्ट हो गया बार में, तो 1.80 इंटू 10^-5 बार के लिख सकता हूँ इसको। तो ये तो निकाली केपी की वैल्यू, एक आर कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.08 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
क्योंकि मुझे बाद में चेंज करना है, इसलिए मैंने बाद में चेंज कर लिया यूनिट को। क्लियर? अब सबसे पहले हम रिलेशन देखे क्या है केपी और केसी में। अभी निकाला था देखो, वो लिखा है केपी बराबर केसी आई की पावर डेल्टा एन। कुछ नहीं है, फॉर्मूला ले लेते हैं। अगर फॉर्मूले जाने हैं तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और इसलिए एग्जाम में भी वो न्यूमेरिकल दिए थे बिल्कुल नॉर्मल न्यूमेरिकल थे, बस फॉर्मूले याद रखने थे हम लोगों को। देखो लेकिन वो कब होगा, उस प्रैक्टिस को रिवाइज करेंगे आप। अगर रिवाइज करते रहेंगे तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और रिवाइज नहीं किया तो पीछे वाला साफ होता चला जाएगा, आगे पढ़ते चले जाएंगे, पीछे से ये लग रहा है कि पूरा रोड बन के झाड़ू लग रहा है, बिल्कुल क्लीन गली होगी क्लीन। केपी बराबर केसी आई की पावर डेल्टा एन। तो यहाँ से हमें केसी निकालना है, एक टी छुट्टी देखो टी 700 क्यों कह रहा है, ऐसा से टेम्परेचर जिस केपी का जो टेम्परेचर होगा वही केसी के लिए। अब बचा दिया डेल्टा एन, तो यहाँ से डेल्टा एन निकाल लेंगे। डेल्टा एन बराबर प्रोडक्ट माइनस देखो प्रोडक्ट कितने हैं, 2 over 3 माइनस 2 + 1 तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्या इसके लिए रॉकेट साइंस से या किसी की जरूरत है? नो सर, केवल आपको फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है। आप केसी निकालो यहाँ से, केसी आर टी की पावर डेल्टा एन बराबर रख दूंगा केपी के, और केसी बराबर हो जाएगा केपी अपॉन आर टी की पावर डेल्टा एन। अभी ढक्कनों इसमें क्या जरूरत है कुछ। अब केपी की वैल्यू लगा दे, लगाओ केपी की वैल्यू 1.80 10^-5। अब कौन आर फाइव आर ये रहा 0.08 ठीक है। अब टी
पावर वन, तो अभी पावर कितनी आ रही है वन, तो ये तो इतना ही हो जाएगा। आंसर निकालो बेटा भाई, आंसर कितना आ रहा है बेटा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो।